तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2020 के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब तक हुए सभी ट्रेड प्लेयरों के बारे में जिनको उनकी टीम ने आईपीएल 2020 से पहले दूसरी टीम को दे दिया है, और इसके साथ ही बात करेंगे अब तक हुई सभी आईपीएल टीमों के रिलीज प्लेयरों के बारे में। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर अभी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आईपीएल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, वो है मार्क मार्कंडे का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मार्क मार्कंडे ने मुंबई इंडियंस टीम के लिए साल 2018 और साल 2019 का आईपीएल खेला था, लेकिन अब हमें मार्क मार्कंडे दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों में दूसरे प्लेयर का नाम निकल के आता है, वो सिफरॉन रदरफोर्ड का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स टीम को मार्क मार्कंडे दिया था, जिसके बदले उन्हें सिफरॉन रदरफोर्ड को अपनी टीम में शामिल करवा लिया था, जिसके चलते सिफरॉन रदरफोर्ड अब हमें मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों तीसरे नंबर पे खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, वो रविचंद्र अश्विन का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अश्विन ने पंजाब टीम के लिए साल 2018 साल 2019 का आईपीएल खेला था, लेकिन अब वो हमें पंजाब टीम की तरफ से नहीं खेलते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंजाब की टीम ने रविचंद्र अश्विन को ट्रेड विंडो के जरिए दिल्ली कैपिटल्स टीम को दे दिया है। दोस्तों चौथे नंबर पे खिलाड़ी का नाम निकल के आता, वो है जगदीश सुजीत का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंजाब की टीम ने रविचंद्र अश्विन को दिल्ली कैपिटल्स टीम को दे दिया था, जबकि उनके जगह जगदीश सुजीत को अपनी टीम में शामिल करवा लिया था, जिसके चलते जगदीश सुजीत हमें पंजाब की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं बात के पांचवें खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों पांचवें नंबर पे खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, वो अजिंक्य रहाणे का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अजिंक्य रहाणे साल 2011 से लेकर साल 2019 तक राजस्थान टीम की तरफ से खेलते हुए दिखे थे, लेकिन अब राजस्थान की टीम ने उनको ट्रेड विंडो के जरिए दिल्ली कैपिटल्स टीम को दे दिया है, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों छठे नंबर पे खिलाड़ी का नाम निकल के आता, वो है ट्रेंट बोल्ट का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ट्रेंट बोल्ट आईपीएल 2020 से पहले हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेलते हुए दिखे थे, लेकिन अब वो हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम ने ट्रेड विंडो के जरिए दिल्ली कैपिटल्स टीम के ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में शामिल करवा लिया है, जिसके बाद से हमें ट्रेंट बोल्ट अब मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों सातवें नंबर पे खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, अंकित राजपूत का। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजपूत हमेशा से पंजाब टीम की तरफ से खेलते हुए दिखते थे, लेकिन अब वो हमें पंजाब टीम की तरफ से नहीं खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों अब वो हमें राजस्थान टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंजाब की टीम ने उनको ट्रेड विंडो के जरिए राजस्थान टीम को दे दिया है। दोस्तों आठवें नंबर पे खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, वो कृष्णा गौतम का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंजाब की टीम ने अंकित राजपूत को राजस्थान टीम को दे दिया था, जबकि उनकी जगह कृष्णा गौतम को अपनी टीम में शामिल करवा लिया है, जिसके बाद से हमें कृष्णा गौतम और पंजाब टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों नौवे खिलाड़ी का नाम निकल के आता, वो है धवल कुलकर्णी का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि धवल कुलकर्णी राजस्थान टीम की तरफ से खेलते हुए दिखते थे, लेकिन अब वो हमें राजस्थान टीम की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि धवल कुलकर्णी अब हमें मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में।